इंडियन बोलिंग लाइनअप के सामने बांग्लादेश की टीम टिक नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज फर्स्ट टेस्ट का दूसरा दिन था। डे टू की शुरुआत में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद बहुत अच्छा बोलिंग किए और दोनों ही इनफॉर्म बैटर्स को पेवेलियन का रास्ता दिखाए। टीम इंडिया अपने पहले इनिंग्स में 376 रन बनाए थे। इसके बाद बांग्लादेश जब बैटिंग करने के लिए आए तब एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि आज बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा, जिससे बांग्लादेश की टीम को बहुत एडवांटेज मिलने वाली थी। लेकिन इंडियन बोलिंग लाइनअप के सामने बांग्लादेश के बैटर्स तितर बितर हो गए थे। कोई भी बैटर्स अपने पारी को लंबा नहीं लेके जा पा रहे थे। जब शकीब अल हसन भी 32 रन पर अनफॉर्चुनेट आउट हुए तब बांग्लादेश का हाल बहुत ही खराब था और अंत में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 149 रन ही बना पाए थे। इंडिया के हर एक बॉलर किफायती रहे एंड विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह 4 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और आकाशदीप 2-2 विकेट चटकाए। इसके बाद टीम इंडिया फिर से बैटिंग करने के लिए उतरी। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल कुछ अच्छे शॉट्स लगा रहे थे लेकिन सिर्फ 10 रन बना पाए। रोहित शर्मा का बल्ला फिर से नहीं चला और 5 रन बनाकर रोहित शर्मा तस्कीन अहमद के शिकार हुए और विराट कोहली भी 17 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज के शिकार हुए। डे टू के अंत में शुभमन गिल 33 रन पर और ऋषभ पंत 12 रन पर नॉट आउट रहे और टीम इंडिया 308 रन से लीड कर रही थी। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम फाइट बैक कर पाएगी या फिर टीम इंडिया के लिए ये एक आसान जीत होगा? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।